कुदरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। ईसा भाई, हमेशा ऐसा होता है कि परेशानी के वक्त में आप लोगों को तसल्ली देते रहें और आज आप खुद ही घबरा रहे हैं। मैं बिना वजह नहीं घबरा रहा हूं मूसा। ईसा भाई, पुलिस अब्बास मियां को ढूंढ रही है। पुलिस ढूंढ रही है ना अब्बास मियां को, मगर मिल गए क्या अब्बास मियां आपको? अरे ना जाने वो कहां है, किन हालातों में है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, पता नहीं अब्बास मियां के साथ क्या हो रहा होगा इस वक्त। ईसा भाई, अजी बेटी तुम इस वक्त सब खरीद तो है ना, तुम इस वक्त यहाँ? अब अब्बास मियां का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। लेकिन इतनी रात को तुम यहाँ अकेली कैसे? प्रगति बेटी को मैंने यहाँ बुलाया है। ये घबराने का वक्त नहीं है, जो हालात हमारे सामने हैं उनका मुकाबला हमें करना पड़ेगा। हालात अच्छे नहीं है बेटी, और हम इनका मुकाबला आप नहीं कर सकेंगे। क्या कह रहे हैं? मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ बेटी, मैंने दुनिया देखी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। जब अब्बास मियां और सनोवर हमसे जुदा हुए थे, और जो हालत उस वक्त मेरे दिल की थी ना, ठीक वही एहसास हो रहा है मुझे आज। अजीब सा खौफ है दिल में कि अब्बास मियां के साथ क्या हो रहा होगा। रह रहे के दिल में ये ख्याल आता है तो मन में हौल उठने लगता है। अल्लाह अल्लाह अब्बास मियां को सलामत रखे, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं सनोवर बेटी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। हेलो 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 ईसा। हाँ मैं ईसा भाई बोल रहा हूँ। सुन बुड्ढे, तेरा समधी अहमद भाई तो कंगाल है। कौन हो भाई तुम? अपना नाम बताओ मुझे। इस वक्त नाम नहीं, काम बताता हूँ तुझे, गौर से सुन तू मेरी बात। तेरे दामाद अब्बास को अगवा कर लिया मैंने। क्या? अब्बास मियां को अखबार कर लिया है तुम लोगों ने? कौन हो भाई तुम? खुदा के वास्ते उसे छोड़ दो, वो तो एक मासूम सा बच्चा है। हाँ छोड़ देंगे उसे, मगर एक शर्त है। कौन सी शर्त? कौन सी शर्त? जल्दी बोलो कौन सी शर्त। अगर तुम अब्बास की रिहाई चाहते हो तो 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। 30 लाख रुपए? 30 लाख? ईसा भाई मुझे बात करने दे। ईसा मुझे बात करने दे। हाँ, अगर 30 लाख रुपए मुझे नहीं मिले तो अब्बास को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं नहीं, देखो देखो ऐसा मत करना, जान से नहीं मारना उसे, देखो हम इंतजाम करेंगे। तो फिर 30 लाख रुपए चाहिए मुझे, उसकी जिंदगी की कीमत। हेलो हेलो, सुन रहे हो तुम? हेलो डॉक्टर मिश्रा, We'll be right back.
हेलो हेलो, मैं प्रगति बोल रही हूँ। प्रगति बेटी, क्या बात है, इतनी रात को फोन किया है? सब खैरियत से तो है? अहमद भाई, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिए, और प्लीज याद रखिए, इस बात की खबर सनोबर तक ना पहुंच पाए। प्रगति बेटी, ऐसी कौन सी खबर है? ईसा भाई को नेशनल हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। ईसा भाई को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, क्या हो गया उन्हें? हार्ट अटैक। क्या, ईसा भाई को हार्ट अटैक? हाँ, किसी ने ईसा भाई के यहाँ फोन किया था और कहा कि अब्बास भाई को अगवा कर दिया गया है। अब्बास को अगवा कर लिया है? हाँ, और उसके बदले में उसने 30 लाख रुपए मांगे हैं। प्रगति बेटी, मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये खबर सनोबर को मत बताइए प्लीज। नहीं बताऊंगा बेटी। अरे अल्लाह, ये क्यों हो रहा है? अरे सब लोग कहाँ गए? करीम राजा, मुझे तुम्हारी चालें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। नम्रता जी, मेरी इन चालों के दो मकसद हैं। मैंने ईसा भाई को अब्बास के अगवा होने की खबर इसलिए दी क्योंकि इंस्पेक्टर विक्रम, जो कि उनका खास दोस्त है और जो अब्बास के लिए शिकारी कुत्ते की तरह उसे सूंघता फिर रहा है, उसका दिमाग किडनैपर्स पे चला जाएगा और वो किडनैपर्स की फाइल छानने लगेगा। ये तो वह पहला मकसद है। दूसरा यह नम्रता जी, कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके दुश्मनों को खून के आंसू रुलाऊंगा, तो देख लीजिए, वैसे ही अब्बास के अगवा होने की खबर से सब लोग परेशान थे और जैसे ही मैंने ईसा भाई को यह खबर सुनाई तो वो तो सदमे को झेल भी नहीं पाए। यही पहला सदमा अब्बास का और दूसरा ईसा का, जब हॉस्पिटल में है और जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और तुम्हारे सारे दुश्मन नम्रता जी, जिसमें प्रगति भी शामिल है, खून के आंसू अपनी आंखों से निकाल के सदमे को झेल रही है। वेरी गुड करीम राजा, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। काश मैं अपनी आंखों से उन लोगों की आंखों के आंसू देख सकती। नम्रता जी, अभी इन सदमों की मार कम नहीं हुई है, अभी एक धमाका और बाकी है। धमाका? हाँ, वो धमाका होगा अब्बास का खास सनोबर के नाम। क्या? और इस खत के बाद मैं करीम राजा सनोबर के सामने एक नए इंसान के रूप में जाऊंगा। करीम राजा, मैंने तुम्हारे बारे में गलत अंदाजा लगाया था। मैं तो तुम्हें छोटा मोटा कमीना समझती थी, मगर तुम तो बहुत बड़े कमीने निकले हो। खैर, आज तुमने मुझे खुश कर दिया है। अरे भाई, ये तुम्हारे काम का मेहनताना नहीं है, ये तुम्हारा इनाम है। जाओ, ऐश करो। थैंक यू करीम। आज मैं बहुत दिनों के बाद चैन की नींद सोऊंगी, क्योंकि उसके बाद जो होने वाला है ना, वो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। तो नम्रता जी, ऐसी 10-10 हजार की गड्डी और तैयार रखिए, क्योंकि करीम राजा आपको रोज ऐसे ही खुशी के धमाके सुनाएगा। पता नहीं अल्लाह की क्या मर्जी है, एक तरफ अब्बास मियां का अगवा किया जाना, इस खबर से बेचारी सनोबर के दिल में क्या गुजरी होगी, और दूसरी तरफ ईसा भाई पर दिल का दौरा। भैया, मुझे उन लोगों से मिलने जाना होगा। फरीदा, तू जाएगी वहां? हाँ भाभी, इस हालात में मुझे प्रगति से भी मिलना होगा, बेचारी के दिल पे क्या गुजरी होगी। मगर ऐसी हालत में तू कैसी जा सकती है? भैया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। देख बहन, मेरी बात मान ले, मैं जाता हूँ वहां, बस, और वहां से आकर तुझे सब कुछ बताता हूँ।
तेरा वहां जाना मुनासिब नहीं है। भैया मैं जाऊंगी वहां। रशीद साहब। अरे अस्सलाम वालेकुम। तनवीर साहब आप? वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही से समझा सकते हैं। मगर बात क्या है? बात है तनवीर साहब के अब्बास को अगवा कर लिया गया। क्या? हाँ, और अभी वो इस सदमे से बाहर नहीं आए थे कि ईशा भाई को दिल का दौरा पड़ गया। वो हॉस्पिटल में। कौन सा अस्पताल में दाखिल कराया गया हमें? नेशनल हॉस्पिटल में। और फरीदा की वहां जाने की जिद कर रही है। इस वक्त मेरा वहां जाना फर्ज होता है। बिल्कुल ठीक है रशीद साहब, उन्हें वाकई वहां जाना चाहिए। लेकिन इस हालत में इसका वहां जाना मुनासिब नहीं है। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपने साथ लेके जाता हूँ। अब तो आप लोगों का कोई एतराज नहीं है? नहीं, अब कोई एतराज नहीं है। ठीक है, जाओ तो। शुक्रिया। नहीं अहमद साहब, मैंने काफी गौर किया है इन सब बातों पर। मैंने किडनैपर्स की सारी फाइलें चेक की हैं। मुझे नहीं लगता कि यह केस किडनैपिंग का है, यह सिर्फ अफवाह है। किसी ने हम सबको गुमराह करने के लिए फोन किया है। लेकिन विक्रम साहब, ईसा भाई के यहाँ किडनैपर का फोन आया था और इसी वजह से ईसा भाई को हार्ट अटैक भी हुआ। प्रगति, यही बात तो मैं तुम सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्यादातर किडनैपिंग के केस रैंसम की रकम वसूल करने के लिए होते हैं, और ये रैंसम की रकम कोई बड़ा आदमी ही चुका सकता है। एक अब्बास इतना बड़ा आदमी नहीं है कि कोई उससे रैंसम की रकम वसूल कर सके। दूसरा, किसी का फोन आता है कि उसने अब्बास को किडनैप किया है और उसे 30 लाख रुपए चाहिए, मगर उस आदमी का पलट कर दोबारा फोन नहीं आता। इन सब बातों का क्या मतलब हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, अब्बास की जुदाई में हमारे लिए एक एक पल गुजारना कितना मुश्किल हो गया। अब्बास हमारे साथ नहीं है, इसका मतलब यही तो हुआ कि उसे किडनैप कर लिया गया। देखिए अहमद साहब, अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि किडनैप करने वाले ने आपको यह नहीं बताया कि रकम कब और किस जगह पहुंचाई जाए, मगर हमारी छानबीन तो यही कहती है कि यह किडनैपिंग का केस नहीं है। तो फिर फोन किसने किया होगा? अहमद साहब, हो सकता है कि किसी ने शरारत की हो। आधा बर्स अंकल, मुझे अब्बास भाई के अगवा होने की खबर मिली। एक्चुअली मैंने प्रगति जी के ऑफिस फोन किया था, वहीं से पता चला कि आप यहीं पर होंगी। तुमने मेरे ऑफिस में फोन क्यों किया? जी बस ऐसे ही खैरियत पूछने के लिए, और वहीं पे मुझे ईसा भाई के बारे में भी मालूम पड़ा। अफसोस हुआ सुन के, पता नहीं किन कमियों ने अब्बास भाई जैसे नेक आदमी का अगवा किया होगा। मैं समझ सकता हूं अंकल कि ईसा भाई को यह खबर कितनी बुरी लगी होगी, उन्हें कितना सदमा पहुंचा होगा इस बात से। हाँ बेटे, उन्हें बहुत दुख पहुंचा है, अगर हम तो इसे अल्लाह की ही मर्जी समझते। आज तक हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। अंकल आप इत्मीनान रखिए अंकल, अंकल अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। अब देखिए, उन कमीनों को अल्लाह ताला सजा जरूर देगा, मेरा दिल कहता है जरूर देगा, देखना। माफ कीजिएगा, आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर साहब जी,
मेरा नाम करीम राजा है। मैं सनोबर जी के साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। वैसे कोई रिश्तेदारी तो नहीं है उनके साथ, मगर मैं हमेशा से उनकी शराफत और जहानत का कायल था। फिर अचानक उनसे मुलाकात हो गई और यहाँ पे इन सब लोगों से इतना प्यार मिला कि बस यहीं का होके रह गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, चंद दिन हुए ये हमारे यहाँ आए थे। अंकल यकीन मानिए, जब से मुझे ये खबर मिली है मुझे बड़ा दुख होने लगा था। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों पे कि आप लोगों को कितना दुख हुआ होगा, मगर आप मुझे गैर मत समझिए अंकल। इस गम में मैं आपके साथ शरीक हूँ और मेरे लायक अगर कोई भी खिदमत हो तो मुझे ज़रूर कहिएगा प्लीज। मेरे बेटे, आप ऐसे वक्त में हमारे घर आए ये हमारे लिए काफ़ी है। इंस्पेक्टर साहब, कोई सुराग मिला अब्बास भाई के बारे में? फिलहाल तो नहीं, मगर मिल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि वो जल्द से जल्द घर वापस लौट आए। हमारी कोशिश तो चली रही है। अच्छा अंकल, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ ईसा भाई को देखने, इंशाल्लाह फिर वापस आऊँगा। खुदा हाफिज़। नाइस मीटिंग। नाइस मीटिंग यू। इस आदमी का आपके घर कब से आना जाना? अभी कुछ ही दिनों से इंस्पेक्टर साहब। दरअसल ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा सनोवर, ये बताओ कॉलेज में इसका चाल चलन कैसा था? बस यूं ही सबसे दोस्ती बढ़ाता रहता था। और आज भी इसकी आदत नहीं बदली, उसे जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की आदत है। तो तुम भी जानती हो इसे? और अब जब दोबारा आपसे भी मिलेगा तो आपसे भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगा वो। प्रगति, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। बस मैं तेरे घर पर होकर आ रहा हूं। मीने कुत्ते, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब्बास, तेरे घर में कोहराम मचा हुआ है और तेरे घर वालों की हालत तुम उसे देखी भी नहीं गई। अब्बास, एक और बुरी खबर है तेरे लिए। तेरे ईसा भाई को दिल का दौरा पड़ा है। हाँ, हॉस्पिटल में है वो। देख अब्बास, तू मुझे वो 20 लाख रुपए दे दे, मैं तुझे यहां से जिंदा जाने दूंगा। तूने क्या मुझे इतना बेवकूफ समझा है? अगर वो 20 लाख रुपए तुझे मिल जाते तो तू कब का मुझे मार चुका होता। उन पैसों की वजह से ही मैं अभी तक जिंदा हूं। अब्बास साहब, अब्बास साहब, आप अभी तक करीम राजा को समझे ही नहीं। अबे 30 लाख रुपए तो मैं तेरी फिरौती के नाम तेरे घर वालों से वसूल कर रहा हूं, समझा? और अब्बास, जिस दिन मुझे वो 30 लाख रुपए मिल गए ना, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि ये बात तो तय है, जब तक तू जिंदा है ना, सनोबर करीम राजा की नहीं हो सकती। कुत्ते, सनोबर का नाम अपनी जबान पर मत लाना। बसु, मारो इसे, खूब मारो, और तब तक मारो इसे जब तक ये पता ना दे कि इसने 20 लाख रुपए मार दिए। कमीने, एक बात तू कान खोल कर सुन ले,
मैं किसी की अमानत तुझ जैसे कुत्ते के हाथ नहीं लगने दूंगा। मारो इसे, मारो इसे। मनाली, क्या कह रही हो तुम? हाँ प्रगति, विनोद ठाकुर निकी का अब सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं, बहुत जल्द उसका लाइफ पार्टनर भी बन रहा है। और मैंने अपने कानों से सुना है, जिस तरह से तुमने उसे बर्बाद करने की कसम खाई है, उसी तरह से निकी ने उसे आबाद करने की कसम खाई है। मेरी कसम तो एक दिन पूरी हो जाएगी, लेकिन निकी की कसम कभी पूरी नहीं होगी, बल्कि एक दिन वो खुद बर्बाद हो जाएगी। विनोद ठाकुर मेरा दुश्मन है, बल्कि पूरी औरत जात का दुश्मन है। मनाली, मैंने तुम्हें शरण सिर्फ इसलिए दी क्योंकि विनोद ठाकुर से तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन अब ये खतरा बढ़ गया है और उसमें कसूरवार तुम भी हो। मैं कसूरवार हूं? मनाली, क्या सोचकर विनोद ठाकुर के साथ तुमने संबंध बढ़ाए, सिर्फ दौलत पाने के लिए? तुम ये जानती थी कि वो एक शादीशुदा मर्द है। एक औरत होकर एक शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता जोड़ना औरत के लिए शर्म की बात है। हाँ प्रगति, तुम सच कह रही हो।